आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चेतना सेवा समिति द्वारा पचकुइया स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में अंतरजातीय सर्व समाजी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 30 जोड़े पर्ण सूत्र में बांधे गए। इस दौरान 6 जोड़ों का विवाह मातृवैश्य में हुआ, वहीं अन्य 24 जोड़ों का विवाह अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया। चेतना सेवा समिति द्वारा पचकुइया स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में अंतरजातीय सर्व समाजी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 30 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। इस दौरान 6 जोड़ों का विवाह माथुर वैश्य में हुआ, वहीं अन्य 24 जोड़ों का विवाह अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया। आज सब जाति सब धर्मों का सामूहिक विवाह माथुर वैश्य महासभा भवन में 30 जोड़ों का होने जा रहा है। मातृवैश्य भवन में 6 जोड़ों का किया जा रहा है, 24 जोड़ों का अन्य जगहों पर हमने सामान भेज दिया है, ये सोशल डिस्टेंस के कारण और शासन आदेश के अनुसार हम ज़्यादा आदमियों को बुला नहीं सकते हैं। इस कारण 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह मातृवैश्य में किया जा रहा है, 24 जोड़ों का हमने सामान भेज दिया है। वो भिन्न भिन्न स्थानों पर शादी अपनी अपनी शादियाँ कर रहे हैं, कुछ घरों में कर रहे हैं, कुछ अपने शादी होम में कर रहे हैं, उनके लिए हमने सामान भेज दिया गया है। ये जैसे ही हमारे अच्छा शादी का सब वो मुहूर्त निकलता है उसी समय हम कर देते हैं 50 जोड़े 25 जोड़े 100 जोड़े जितने भी जोड़े बनते हैं उनकी हम शादियां कर देते हैं। अध्यक्ष समिति के संस्थापक सत्य प्रकाश जायसवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए 6 जोड़ों का विवाह माथुर वैश्य सेवा सदन में कराया गया है, वहीं अन्य 24 जोड़ों का विवाह अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया है। चेतना सेवा समिति ने सभी जोड़ों को दिए जाने वाले दहेज का घरेलू सामान भी सभी के घर पहुँचाया। आज करीब हमारे समिति से 30 जोड़े बन चुके थे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ ना हो तो 24 जोड़ों का सामान घर भेज दिया गया, जो कि वो अपने अपने घरों में शादियां करेंगे। और जो बिल्कुल निस्सहाय बिल्कुल घर में 5 लोगों को बिठा के खिलाने को भी नहीं है, उनके आग्रह से आज ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें कि 9 जोड़े आज विवाह के सूत्र में बनेंगे। कार्यक्रम में वरवधु ने एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। इस दौरान जोड़ों के परिवारजन सहित समिति का संस्थापक अध्यक्ष सत्य प्रकाश जायसवाल ने भी सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनकी दीर्घायु की कामना की। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।